कौन ऐसा बिहार का बच्चा है बीपीएससी की तैयारी करने वाला जो बता दे कि अमरिंदर सर को आइडियल मान रहा है, अतुल सर को आइडियल मान रहा है, अरे इनका परिवार वाला इनको आइडियल नहीं मानता होगा, गारंटी है। जो क्वेश्चन सेट करता होगा उससे पूछता होगा उसका परिवार, उसकी पत्नी पूछती होगी, अजी आप क्वेश्चन सेट करते हैं बीपीएससी में, कहां से सेट लाते हैं क्वेश्चन, मनोहर पोथी से या पनोरमा से, कहां से ला के देते हैं क्वेश्चन, जो इतना गलती करते दो साल में क्या कर रहे थे, बढ़िया संगा पेंट सेंट उंट छीट के फोर व्हीलर पे जाते थे बिहार सरकार की गाड़ी पे, आगे में लिखा होता था अधिकारी, सिस्टम में जाके बजा रहे थे क्या जी, कहां से सेट करते हैं, काहिल बचवा को मार रहे हैं। दो साल में जो इंसान 150 क्वेश्चन सेट नहीं किया, अरे उसको सामने लाते ना, तब ने वाहवाही आपकी होती कि देखिए हमारे पैनल में ये महानुभाव, हिस्ट्री के एक्सपर्ट, ज्योग्राफी के एक्सपर्ट, करेंट अफेयर के एक्सपर्ट, हम लोग सकल देखते, कहते भाई इन लोगों को जल्दी जल्दी भारत रत्न दिलवा दो, पता नहीं मर ना जाइए कहीं, क्योंकि मरो प्रांत तो भारत रत्न नहीं मिलता, इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। बिहार के लिए यह सबसे शर्मनाक बात है, वो जमाना चला गया, आयोग में बैठे हुए जितने लोग हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कई सदियों से हम ये ड्रामा करते आ रहे थे, अब ये ड्रामा नहीं चलेगा जी, अब नहीं चल सकता है, गया जमाना, सोशल मीडिया का जमाना है जो परमाणु से भी बढ़ के हथियार है, आपकी जिंदगी में वो सुनामी पैदा करेगा कि आप भूल जाइएगा कि हमको अधिकारी बनना है। आपने कितनी की जिंदगी को नर्क बना के रख दिया, अगर लिपापोती करना तो सीधा बता दो कि हम बच्चे को लेंगे, तुमको जो करना है करो, दिल करना फॉर्म भरना है भरो, नहीं भरना नहीं भरो। अरे साहब एक बार हमारे पास भी इंटरव्यू देके देख लीजिए, हम भी 2 लाख सब्सक्राइबर रखे हुए हैं अपने पास में और अनमोल रतन रखे हैं, एरू गेरू को नहीं रखे हैं, आप एक बार आइए हमारे सामने, आमने सामने करते हैं लाइव, हम पूछते सवाल आप हमसे पूछिए सवाल, आपको जो दिल करे पूछिए सवाल, दिल से जवाब देंगे और उसके बाद हम सवाल करते हैं आपसे, आप जवाब दीजिए ताकि जमाना देखे लाइव, कोई कटिंग कोई पेस्ट नहीं। साहब बदलाव जहां करना था वहां तो आपने बदलाव नहीं किया, जहां बदलाव नहीं करना है मतलब पूरा व्यवस्था बना हुआ है कि जिसको गलत तरीके से लाए हैं बेटा टेंशन मत लिया कर, तेरा अभी तुगलक जिंदा है, तुझे तो सिलेक्शन करवा के ही हम यहां से बाहर निकलेंगे, मामला तो यही है साहब, वरना यहां पे तो गधा से गधा, बत्तर से बत्तर, रिक्शा वाला ठेला वाला जो कभी जीवन में बेचारा नहीं पड़ा वो भी आके एक बार थूक के चला जाएगा। क्या कोई ऐसे करता क्या, सिस्टम को इन लोगों ने एक हथियार बना लिया है जो बिहार के आने वाले भविष्य पे एक एक पे तान के गोली मारता है। आपने क्या ड्रामा कर दिया सर कि बिहार को बनाने वाला युवा सड़क पे जाकर तांडव करता है, आपको अच्छा लगता है, आपके बाल बच्चा घर में नहीं है, हमको तो सच में बताते हैं आत्मा से हम ये सोचते हैं कि इनके बाल बच्चा है ही नहीं है, अगर है भी तो इन लोगों को छोड़ के चले गए, ये लोग के बाल बच्चा होंगे ही नहीं यकीन के साथ में मैं कह सकता हूं आपसे, क्योंकि अगर होता तो इनके पास दिल होता, और जो ये ड्रामा बैठ के अंदर करते हैं ये कभी नहीं करते, इसलिए ऐसा कभी मत समझिए कि मैं आपके साथ कभी नहीं हूं, हमेशा आपके साथ में हूं, गलत हमेशा गलत होता है चाहे मैं ना हूं या दुनिया का कोई व्यक्ति है। अभी जब हमको आपको सिलेबस बता रहे थे तब भी हमने बताया आपको गलती हमारी भी है, शिक्षक की भी गलती है, ऐसा ना समझो कि नहीं शिक्षक की गलती है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, अरे जाओ या ना जाओ आंदोलन में कम से कम आवाज तो उठाओ, बताओ तो सही, कोई बोलने वाला तैयार नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। साहब हम मानते हैं, कई लोग मैसेज करते हैं बड़ा उठपटांग जैसे हमसे बातें करते हैं, मैं फिर भी दिल से एक्सेप्ट कर लेता हूं, चलो कोई बात नहीं है यार, इन लोगों का रिजल्ट नहीं गया तो क्यों ना बुरा भला हमको बोलेंगे, इनकी दांव जिंदगी पर लगी हुई है, मां बाप इनको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है अगर ये मुझे बुरा भला बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा मुझे बुरा भला, हमारा परिवार बोलेगा, हमारा परिवार तो यही है,
और इसको हम हक दिए हुए कि बुरा भला मुझे बोले। लेकिन एक बार तो रुक के सोचना होगा कि ठीक है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 122 नंबर आया, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को, लेकिन जिस बच्चे का आंसर पहुंच रहा था 109, सिलेक्शन नहीं था, ये मानने के लिए मैं तैयार हूं, हां नहीं हुआ सिलेक्शन, ऐसे भी नहीं होता, लेकिन फिर उसका 97 नंबर कैसे आया? इस पे कोई क्यों नहीं चर्चा कर रहा? कहां गया बीच का नंबर? मैं मानता हूं फेल है, लेकिन इतना का मार्जिन कहां गया? 110 वाले का नंबर 91 नंबर पहुंच गया, कैसे? कोई डाटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस जैसे करना है करो। हम तो बस यही चाहेंगे कि आने वाला जनरेशन जो है वो सड़कों पे ना उतरे। इसलिए अब इन लोगों को लगा कि क्या किया जाए, इन्होंने क्या किया, स्कैन करके सारे का पेपर डिस्प्ले कर दिया। भाई तुम लोग देख लो क्या क्या कलर किए हो। भाई साहब इतना दिमाग जो तुगलकी फरमान यूज करते हैं आप, उससे बेहतर होता ना कि आप 5 रुपया हमसे ज्यादा ले लेते और नीचे में कार्बन चिपका देते और जो हम कलर करके आते उसके बाद जमाने को दिखाते कि तुम लोग बैठ के कर क्या रहे हो अंदर में। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, स्कैन करने में हालत खराब हो गई होगी आपकी। आपने एक क्वेश्चन को गलत करके मात्र 48 घंटे में आंसर दे दिया, कमाल की बात है, 15 को सिलेक्शन भी दे दिए। ऐसे हजारों सवाल हैं जिसका जवाब देते देते बीपीएससी बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा तो हो ही गया है, इन लोग के चक्कर में तो आईसीयू में भर्ती है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो आईसीयू में भर्ती है ही थी, अब बीपीएससी भी आईसीयू में भर्ती है। कुछ दिन के बाद इसकी प्राण टूट जाएगी, क्योंकि जो आईसीयू में जाता है उसके बाद जिंदा लौटता नहीं है। बीपीएससी का भी यही हश्र होगा, जो ड्रामा करना है कर लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसको पूरी तरीके से दीमक की तरह चाट गया है। अब आप करोगे, अब क्या होगा मांग? बीपीएससी में ऐसे बदलाव कर रहा है, ये गलत है, ये है वो तो चाह ही रहा है, ये दे दो, ये प्रॉब्लम दे दो, इस प्रॉब्लम में सब चिपक जाएगा। हम लोग को जानते हैं कुत्ता समझता है बीपीएससी। एक रोटी में झोल झोल के अब खत्म होने वाला है, तब तक मैं क्या करो, दूसरा रोटी फेंक दो, सारा का सारा कुत्ता वहां जाके चिपक जाता है, फिर उसमें चर्चा शुरू हो जाता है। यही तो गेम करता हमारे साथ बीपीएससी, हमें इंसान समझा ही कब है? अगर इंसान समझता तो 2 साल में 150 क्वेश्चन ही सेट नहीं करता, इतने सारे एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अरे देखो मैं तुमको एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, 7-8 क्वेश्चन ऐसा सेट करो ना कि लोगों का दिमाग सेट हो जाए। साहब चिंता मत करो, मैं जिंदा हूं, पिछले 30 साल से क्वेश्चन सेट कर रहा हूं, मुझे पता है कहां कहां से क्वेश्चन लाऊंगा। और बेचारा कर रहा, वो अपना धर्म अदा कर रहा है, और साहब मौज ले रहे हैं, बच्चा रो रहा, रोते रहो। पढ़ाने वाला शिक्षक जो है उंगलियां दाबे हुए हैं दांत में, ये हो क्या रहा है? बच्चा सिलेक्शन ही नहीं ले पा रहा, जो पैसा पे है आराम से सिलेक्शन ले रहा, बाकी का तो हो ही नहीं रहा। एक तो ये, दूसरे थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए क्वेश्चन का, ताकि कोई इंसान अगर फॉर्म भरे तो एक बार सोचे। यूपीएससी के टाइप जब हम गर्व से कहते हैं ना कि बिहार की प्रतिष्ठित एग्जाम है, तो इसमें एग्जाम देने के पास वाले के पास में ना एक ताकत होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए। यहां तो कोई भी भर देता जी, ग्रुप डी वाला भी भर देता है, अब भरता ही नहीं है पास भी कर जाता है। ताजुब की तो बात यह है, अरे 50,000 जो प्रीलिम्स पास करने के बाद देते हो, 50,000 मेंस के बाद दो। आपने तो पूरे सिस्टम में इस तरीके से बना के रखे हो कि सिलेक्शन उसी का होगा जो बेटा रटेगा, मेंस में फंसेगा, दूसरे लड़के को अंदर करेगा, तुम कुछ नहीं करेगा। यही तो ड्रामा हो रहा साहब। आप एज लिमिट कर दो, क्यों 40 साल, 35 साल कर दो, अगर 40 करना ठीक है 40 कर दो, 3 अटेम्प्ट, खेल खत्म करो तमाशा। इंसान सोच समझ के भरेगा। आपने तो कर दिया, जब तक है जान लगे रहो, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, लोग परेशान है, 45 साल है ना,
लगे रहो। क्या ये नहीं गलत है? क्या ये नहीं हटनी चाहिए? क्या जो हटनी चाहिए वहां पे कुछ नहीं है? जहां बदलाव चाहिए वहां पे क्या है? मुंह में ताला लगा हुआ है। और जहां कुछ अभी नहीं चाहिए, अभी जरूरत तक नहीं है, वहां पे ऐसा ऐसा तमाशा जिससे कि पूरी तरीके से जगहसाई अपने बिहार की हो रही है। बीपीएससी में कुछ भी गलती होना बिहार की जगहसाई है। हर जनरल कंपटीशन वाले, दूसरे स्टेट वाले, ईमानदारी से कहता हूं, अगर यकीन नहीं है तो आप अपने परिवार में कोई अगर बीपीएससी क्वालिफाई कर गया होगा तो वो अगर बोलता होगा ना, एसडीएम हो कहां से हो साहब? बिहार से। अच्छा अच्छा अच्छा, बीपीएससी से। ऐसे कितना चल रहा है? 50, 60, 70, 80, कुछ तो चल ही रहा होगा, जैसे हम लोग के टाइम में होता था। अच्छा, 10th 12th कहां से किए हो? बिहार से। अच्छा, चोरी से किया होगा, चलो साइड रखो सबको। अब दिमाग में आने वाला वक्त आ गया है जब कोई भी बोलेगा ना कि हम बीपीएससी अधिकारी हैं, तो उसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 लाख, 50 लाख या 70 लाख, तीनों ऑप्शन में कौन सा लाख? और यही जमाना में याद रहेगा। यह शर्म की बात है हम लोग के लिए, इससे बड़ा और शर्मिंदगी क्या हो सकता है? आप इतनी सोच के देख लो। और जहां तक बदलाव है भाई, नाम ही है तुगलक फरमान। एक तुगलक गया, दूसरा तुगलक आ गया है। यह सौभाग्य की बात कहें या दुर्भाग्य की बात कहें, यह तो वक्त ही डिसाइड करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस टाइम में आके बदलाव करना यह कहीं से जायज नहीं है। अब तक के